वेलकम टू मास्टर शेफ गाइस, दिस इज नॉट मास्टर शेफ और यहाँ पे मैं आपको शेफ नहीं बनाने वाला हूँ, ना मैं कुछ कुकिंग करने वाला हूँ, बट हाँ वी गोइंग टू बी कॉलिंग इन पीपल हियर। हम यहाँ लोगों को बुलाएंगे, बॉडी बिल्डर्स को बुलाएंगे, एथलीट्स को बुलाएंगे, स्पोर्ट्समैन को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि भाई वो कैसे कुक करते हैं, वो कैसे खाना बनाते हैं। जहाँ वो बोलते हैं, अगर आपको याद हो मैंने कई इंटरव्यूज करे थे कई बॉडी बिल्डर्स के, जो मैं अभी भी दोबारा स्टार्ट करूँगा, विल कीप डूइंग दम, बट वो हमेशा कुछ भी बोलते थे और मुझे लगता था कि यार शायद सच बोल रहे हैं, शायद झूठ बोल रहे हैं, बट ना उनको हम कॉर्नर करेंगे इस किचन में। इस किचन में हम उनको बुलाएंगे और वो हमारे सामने अपनी फेवरेट डिश, अपनी हेल्थी डिश और वो डिश जो सीक्रेट डिश उनकी, जिससे उनकी बॉडी यू नो दे स्टे श्रेडेड, या वो अपने कॉम्पिटिशन के टाइम पर तैयारी करते हैं, क्या खाना खाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, फ्रॉम द किचन इज़ व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गाइस। ये बड़ा टेढ़ा, बहुत ही टेढ़ा काम होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबके सामने हो जाए। अगर आपको याद हो मैंने अपने इंटरव्यू सीरीज में भी बात लोगों से पूछती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सबसे उनसे पूछा था कि भाई आर यू नेचुरल, और वो बोलते थे आई थिंक 90% पीपल टेल द ट्रूथ, टोल द ट्रूथ। सो इसमें भी गाइस हम तो सामने खाना बनाने वाले। सो दूसरी बात, आप जो भी खाना बनाएंगे हम यहाँ पे, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल शेफ। आपको शेफ होने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे करूँगा, मेरे को तो आता नहीं बनाना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन कुक इट। ऑल इट टेक्स इज लिटिल बिट ऑफ एफर्ट जो आपको डालना ही पड़ेगा। गाइस आपने सुना ही होगा राइट, हर बॉडी बिल्डर कहता है, हर एथलीट कहता है कि भाई 90% इज़ डाइट, 80% इज़ डाइट, बट डाइट में वो बताते तो हैं कि आप ये खाओ, लेकिन ये नहीं बताते कि बनाओ कैसे उसको। तो आज हम वो बनाएंगे और हम बनाने क्या वाले गाइस आज, कीटो बटर चिकन। उप्स, देख रहे हो भाई, ये मेरा कीटो बटर चिकन बन गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो उस कीटो बटर चिकन बनाने के लिए दिल बी सर्टन इंग्रेडिएंट्स, और उस इंग्रेडिएंट्स में क्या 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 डलेगा और हम क्या डालेंगे वो आपको मैं सब बताऊंगा। लेकिन आज की जो रेसिपी होगी और आज की जो डिश होगी और आज की जो कीटो विद बटर चिकन है वो बनाने वाले हैं मेरे एक और बॉडी बिल्डर दोस्त, वो मेरे साथ बनाएंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे बनाते हैं यार। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हिज सीक्रेट सॉस। अगर आपको याद हो मैंने इनका इंटरव्यू भी कह रहा था अभी हफ्ता पहले, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द एक्सट्रीम डोसेजेस ऑफ बॉडी बिल्डर्स, कि वो क्या खाते हैं, कितनी डोसेज लेते हैं एनाबॉलिक की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो क्या खाते हैं और कैसे पकाते हैं। सो मिलिंद कम, ये देखिए मैंने क्या हेल्प बना दी है इसकी। हाँ सो मिलिंद, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो अब मुझे बताओ आज क्या बनाने वाले भाई? आज हम बनाएंगे कीटो बटर चिकन। कीटो बटर चिकन, तो पहले ये तो बता दें कीटो होता क्या है इनको यार? कीटोसिस इज अ काइंड ऑफ डाइट व्हिच इज हाई ऑन प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड लो ऑन कार्ब्स। तो अब कार्ब लो होने से हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और फैट्स हमारे मसल सेवियर है एंड इट इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ एंड बोन हेल्थ एंड एवरीथिंग। भाई अगर आपको बातें ऊपर से जा रही है जो मेरे को कभी कभी चली जाती है, इट्स नॉर्मल। तो मैं आपको समझा देता हूँ, हमारी बॉडी का जो प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्ब्स, ग्लूकोज। तो जब भी हम कुछ खाते हैं आप देखते होंगे उसका एक मीठा सा टेस्ट हो जाता है, जब भी वो एंटेस्ट होता है दैट्स ग्लूकोज। अब कीटोसिस मींस, कीटोसिस ये कहता है कि यू नो व्हाट, हम आपकी बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स अब ग्लूकोज से चेंज करके कीटोन्स कर देंगे, विच मींस फैट। कि आपकी जो आप बचपन से लेके अब तक करते आ रहे हो, आप कार्ब्स पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आपकी बॉडी को कीटोसिस में जाना है। कीटोसिस का मतलब है देयर विल बी नो कार्ब्स। आपके कार्ब्स सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम के अंडर होंगे, राइट? 20 ग्राम के अंडर होंगे, और उस 20 ग्राम के अंदर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे विच विल बी फिनोमिनल। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन लेट मी टेल यू द रिजल्ट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल। बट द बेस्ट पार्ट इज टेस्टी होने वाला है, वेरी टेस्टी चिकन विल बी टेस्टी। आई रिमेंबर, क्योंकि जैसे कीटोसिस की बुनियाद है बटर चिकन, इट्स बटर चिकन। तो चिकन कीटोसिस में तो बोला जाता है फैट्स और प्रोटीन, और बटर चिकन से बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं, राइट? Exactly. तो गाइस अब हम जानते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, सो लेट्स चेक इट आउट। सो द रेसिपी फॉर कीटो चिकन, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं, क्या क्या भाई? ये क्या, ये चिकन, ये चिकन ब्रेस्ट हो गया, दिस इज चॉप्ड चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम। स्लो जाते हैं भाई, स्लो। ओके गाइस, ये है आपका 220 से लेके 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। लेकिन आपने देखा होगा ये पीसेस साइड में रखे हुए हैं, राइट? दिस इज द फैट। जब भी आप चिकन लें, जब भी लें, इसको साइड से काट लीजिए, जैसे ये कटा हुआ है पूरा स्मूथ कटा हुआ है, वो उसका फैट होगा। ये स्किन आपको नहीं खानी, ये बनाने हमने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। कभी भी इसको हमेशा क्लीन करने के बाद इसको खाना है, ये मत खाइएगा, बिकॉज दैट्स अ डर्टी स्किन। ये साफ हो जाएगा तो ये ऐसा लगेगा। इसको फिर आपने करना होगा बटर चिकन बनाने के लिए चॉप, चॉप करने के बाद ये ऐसा लगेगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या क्या डलेगा भाई? इसके अंदर डलेगा 150 ग्राम हमने टोमेटोज चॉप किए हैं, चॉप टोमेटोज डलेंगे इसके अंदर, क्यूमिन सीड्स,
जीरा पाउडर, तो इसका डायुरेटिक इफेक्ट भी होता है, एक्सेस वाटर निकालेगा हमारी बॉडी से, बॉडी से पानी निकालेगा, एंड सेकंडली किडनी एंड लीवर डिटॉक्सिफाई भी करता है. किडनी एंड लीवर डिटॉक्सिफिकेशन विद जीरा, गाइस दैट्स अनदर वीडियो एंड एन आईडिया, थैंक यू. एंड अनदर थिंग व्हिच इट डज इज बाइल हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ हमारी, वो तो खैर मेंटेन कोर है वो तो हमारा. हाँ, ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर गाइस, ये तो आपको हर चीज, हर बॉडी बिल्डर आपको मिलेगा ही मिलेगा खाता हुआ ये. और ये क्लोव्स होगी, लौंग. और ये बेलिफ, तेज पत्ता. तेज पत्ता गाइस, तो देख रहे हैं आप, अगर आप अपने नमक डालना डाल सकते हैं, बिकॉज कीटो में नमक का कोई परहेज होता नहीं, विच वी डू इट इन दी एंड. ये आपका जीरा, ये है आपका ब्लैक पेपर, ये आपका तेज पत्ता, और ये क्या हमारा ये लौंग है, और ये आपके 150 ग्राम आपके हो गए टमाटर. तो 150 ग्राम टमाटर हमने इसलिए लिए हैं कि इसमें 10 ग्राम के अराउंड कार्ब्स है. कार्ब्स, और हाँ, इसमें हमने प्याज भी डाला है. बटर चिकन में यूजली प्याज होते हैं, इसका तड़का लगता है. प्याज आर नॉट रिकमेंडेड इन कीटो, राइट? एग्जैक्टली, उसमें की प्याज नहीं खाने आपको. सो दिस इज एग्जैक्टली, सो थोड़ा डिफरेंट होगा बटर चिकन में प्याज ही, लेकिन आपको टमाटर से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स गोना टेस्ट वेरी वेरी गुड. अब चलते हैं हम अपनी किचन में. We are in the kitchen, guys. अब करते हैं अपनी गैस स्टार्ट और करते हैं अपना, क्या करते हैं, चिकन बनाते हैं अपना कीटो वाला. चलो करें, let's start. Let's start. पहले भाई कहीं ये लाइटर आपको घर पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल किचन में मिलेगा गाइस. सो आई वांट थैंक न्यूट्री पंच फॉर हुकिंग अस अप विद दैट. ओके, गाइस ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के अंदर ही करिएगा आप, ऐसे गैस वाले काम. ओके, लेट्स टेक द पैन नाउ. पैन लिया आपने गैस, आपके घर में कोई भी गैस होगा आप गैस ले सकते हैं. गैस ऑब्वियसली गैस पे बनाएंगे, इस पे डालेंगे. पैन रखिए. अब हम जो इसमें ऑयल डालने वाले हैं वो फ्लैक्सीड ऑयल होने वाला. फ्लैक्सीड ऑयल गैस, फ्लैक्सीड ऑयल. अगर आपके पास अमूल है, घी है, तेल है, आप बटर भी यूज कर सकते हैं. अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट हम फ्लैक्सीड ऑयल इसलिए यूज कर रहे हैं ओमेगा 3 बेनिफिट्स के लिए. ओके, एक्सटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्सीड फॉर दिस चिकन. इसमें टेस्ट में कोई फर्क तो नहीं है, खराब नहीं टेस्ट में कोई. ओके, लेट्स सी, फ्लैक्सीड ऑयल गोज राइट हियर. दिस इज सम अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ ऑयल. 15 ग्राम्स ऑफ ऑयल. 15 ग्राम, ग्राम में होगा या एमएल? एमएल में होगा भाई, सॉरी. देखा मैंने हाथ लगा दिया, गिर गया वो. 15 ml of oil. Guys, आपको कीटो में फैट्स खाने तो दिस इज ओके. तो पहले हम होल स्पाइसेस डालेंगे. अच्छा, एक एक करके. हाँ, ये क्या डाल रहे हैं? जीरा. जीरा डाला. अब हमने ब्लैक पेपर डाल दिया. ब्लैक पेपर गया अंदर. लौंग डाल दिया. लौंग गया. ये गया तेज पत्ता. तेज पत्ता थोड़ा, हाँ धीमी. किस किस तेज आंच पे, धीमी आंच पे पकाना है? धीमी आंच पे. स्पाइसेस ज्यादा, थोड़ी सी तेज आंच पे भी पक जाए कोई दिक्कत नहीं. अब हम इसमें पटाखे बज रहे हैं या पटाखे? हाँ, अब हम इसमें अपना 150 ग्राम टोमेटो डाल देंगे. वो काफी ग्राफिक इफेक्ट आ रहे हैं भाई वीडियो में तो. अब नमक डालेंगे इसमें. गाइस, आप कीटो में नमक खा सकते हैं. कीटो में नमक का कोई, बल्कि खाना जरूर है, बिकॉज कीटो में थोड़ा डायुरेटिक इफेक्ट, वैसे भी वाटर लॉस होता है. आपका पानी नेचुरली काफी लूज करते हो कीटो में, तो आपको नमक खाना बहुत. सॉल्ट एज पर टेस्ट. तो तेज नमक खाता है? ओके, ऑयल कहाँ है? ऑयल तो निकल ही गया. और एक बार टमाटर जब पक रहा होता है पहले पीता है, फिर बाद में छोड़ेगा जब ये पक जाएगा. इंटरेस्टिंग गाइस, ऐसी ऐसी कुछ इसके कलर्स निकल के आ रहे हैं. आप देख रहे हो कि काला हो रहा है, बन रहा है. अच्छा, ये वो ब्लैक पेपर हो गया ना? ये ब्लैक पेपर. अगर हमने जितना कुक करना था ये हो गया. कितनी देर? 3 से 4 मिनट. इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बिकॉज फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे और पेस्ट बन जाएगा. हाँ, इसके लिए थोड़ा पानी भी चाहिए होगा ना? पानी या थोड़ा पानी देंगे इसके अंदर डालने के लिए? हमने थोड़ा रिक्वेस्ट करा पानी के लिए. आले 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 आले. अब जैसे ये देखेंगे आप, ये तेल छोड़ने लग गया. दैट मींस के टोमेटो इज कुक्ड नाउ. कैसे ये तेल छोड़ने लग गया ना? अच्छा, वापस ये. अच्छा गाइस, आप देखिए, अब टमाटर तेल छोड़ने लग गया है, तो अब ये कुक हो चुका है. इसकी स्मेल भी थोड़ी कुक्ड टोमेटोज की तरह आ रही है. ले भाई पानी.
हमें थोड़ा सा पानी डालना है इसमें ताकि हम इसे एक पेस्ट में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, इसका पेस्ट बनना है। यहीं पे डाल रहे हैं, थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी साथ में। कितना पानी डाला इसमें? इट्स लाइक सम अबाउट 10 ml 50 ml 50 जबरदस्त आवाज निकल के आ रही भाई इसकी तरफ। फैक्स गाइस, आई एम श्योर दिस वीडियो इज वेरी ग्राफिकल। इसमें आग लग रही है, इसमें लाल रंग के टमाटर आ रहे हैं, टमाटर तो लाल रंग का ही होता है। प्लस लुक एट द कलर्स गाइस, लुक एट द कलर्स। नाइस। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? अब हम थोड़ा सा इसे कुक होने के बाद ब्लेंड करेंगे टमाटर को। टमाटर ये पूरा प्योरी बन जाएगा। अच्छा, इसकी प्योरी बनी। कितनी देर इसको कुक करना है यहाँ पे? बस थोड़ा सा कलर आने लग जाए जब पानी में। अच्छा, टोमेटो को थोड़ा सूपी दिखने लग जाए वाटर। तो आपको थोड़ा सा इसको, जब भी थोड़ा सा आपको लगेगा अभी सूप में कन्वर्ट हो रहा है टमाटर, तो हमने टमाटर को आधा तो हमने पहले पैन फ्राई किया है और आधा हम अच्छा बॉईल करके कुक कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कुकिंग। नहीं, अब कितनी देर को ऐसा करना भाई? बस हमें थोड़ा सा सूपी दिखने लग गया, थोड़ा मैश होने लग गया। तो तीन से पाँच मिनट तीन से पाँच मिनट आप इसको ऐसे करिएगा। दैट्स इट, कुक नाउ। ओके, विल शट द गैस ऑफ फॉर नाउ एंड देन विल शिफ्ट इट टू अ ब्लेंडर में। अच्छा, अब इसको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बनाना है। एग्जैक्टली। तो वैसे आपको ब्लेंडर भी चाहिए ऑब्वियसली इसको पेस्ट करने के लिए। पेस्ट बनाने के लिए ओके बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करती ब्लेंड करने में, बिकॉज इट्स हॉट सो इट विल ऑल पॉप आउट। तो इसकी गैसेस थोड़ी रिलीज करवा दो ऊपर से। धीरे धीरे इसको ब्लेंड करिएगा, धीरे धीरे ब्लेंड होगा। विल जस्ट स्ट्रेन इट, एक स्ट्रेनर से निकालेंगे हम इसे। इज नाइस एंड इजी। Let's leave it like this and then we'll strain it. Chicken to gaya nahi abhi tak? Abhi chicken we'll cook it a bit and then put some. Boiled chicken. Exactly. No, it's not boiled chicken. We'll pan fry it again in oil. तो जैसे हमने टमाटर करे इसको करेंगे। Let's switch the gas on. Guys, जो लोग पहलवान लोग होते हैं, professional athletes होते हैं, body builders होते हैं, they prefer it boiled chicken. तो ये चिकन, ये कीटो है इसलिए वी आर गोना पैन फ्राई इट। इसमें आप फ्राई कर सकते हैं भाई। 10 ml के करीब हम ऑयल फिर यूज करेंगे चिकन को ये पैन फ्राई करने। ये कटा हुआ चिकन है वैसे ही, जैसे उबला हुआ चॉप चॉप। अभी उबाला तो नहीं है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं किया, कुछ उबला हुआ नहीं है, कुछ नहीं किया, तो सिर्फ चॉप चिकन है। जो हमने आपको चिकन ब्रेस्ट दिखाई थी शुरू में, ये वही चॉप्ड है। कितनी देर करना होगा इसको? बस हल्का सा तेल भी जाएगा। कितनी देर में, कितनी देर तक? इट्स लाइक 2 मिनट्स मैक्स। 2 मिनट तक थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें। Let's put some water. जॉब हो जाएगा। बंद कर दी क्या? नहीं। अच्छा, पानी कितना डाला भाई? 10-20 ml 30 ml 30 ml पानी डाल दिया उसमें चिकन में थोड़ा सा। इसको पैन फ्राई कहते हैं गाइस। अब हम यूं की यूं प्यूरी जो हमने बनाई ब्लेंड करके टोमेटो और होल स्पाइसेस की, वो यूं की यूं इसमें शिफ्ट कर देंगे। क्या बात है गाइस, द कलर इज शोइंग। वाओ, लुक एट दैट। फ्रेश क्रीम होगा ना? क्रीम। क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल ही इसका फ्लेवर भी आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, इट विल स्मेल सो नाइस। हमने इसमें होल स्पाइसेस यूज किए हैं, तो इट गिव्स अ बेटर फ्लेवर। माय गॉड गाइस, सो हेल्थी बटर चिकन, कैन यू इमेजिन दिस? एंड इट, इसको कितनी देर पकाना है वैसे? बस थोड़ा सा चिकन कुक करेंगे। चिकन तो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा कुक हुआ नहीं है ना? नहीं, 5 मिनट तक करना होगा उसको। हाँ, 5 मिनट तक। तो इसको 5 मिनट तक आप करिए कुक चिकन को। क्रीम, या एट द एंड वी आर गोना ऐड सम क्रीम इन इट। ओके गाइस, ये आपका, अगर आपको, अगर आप ज्यादा ही कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब यू वांट टू बी सुपर डुपर स्ट्रिक्ट,
तो यू डोंट हैव टू ऐड दिस क्रीम. नो नो, दिस इज गुड फॉर कीटो. कीटो के लिए गुड है. या गाइस, अगर क्रीम आपको लोग मना करते होंगे, लेकिन फॉर कीटो यू कैन हैव इट. जितनी खानी जितनी खानी जितनी खानी. इसके अंदर 100 ग्राम में 3.2 ग्राम कार्ब्स हैं. कितना 20 ग्राम डालना है ना. 20 ग्राम के करीब. या दैट्स इट. वी पुट इट एट द एंड के क्रीम देसी घी में ना बन जाए. देसी घी ना बन जाए. क्रीम से ही देसी घी निकलता है ना. तो यू कुक इट मोर एंड यू गेट देसी घी आउट ऑफ इट. अच्छा, सो इट्स लाइक यस, का तो कलर भी वही बटरी होने गया, वाइट वाइट. एग्जैक्टली, दैट्स क्रीमी. सो गाइस, यूजुअली मैं क्रीम रेकमेंड नहीं करता हूं, ऑब्वियसली बिकॉज आई प्रेफर ऑर्गेनिक. जितना हो सके ऑर्गेनिक हो, जितना हो सके सब. बट अगेन, टू गिव कलर्स, टू गिव टेक्सचर, थोड़ा जब टू मेक इट गुड फॉर कीटो एंड वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन कार्ब्स विद इट एंड तब तब फॉलोइंग द कीटो प्रॉपर. और वो चीज ऐसी भी होनी चाहिए कीटो में, बड़ी सिकनिंग सी मील प्रेप होगी वरना, क्योंकि नहीं तो वो फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा. देखने में भी अच्छा लगे ना खाना, तभी खाया जाता है. अगर देखने में अच्छा लगे तो कीटो का एक और सिम्टम होता है, विच इज लाइक के यू विल स्टार्ट स्मेलिंग. आई मीन आपकी ब्रेथ फाउल हो जाएगी थोड़ी सी. करेक्ट. तो वो जब आप कुछ टेस्टी खाएंगे, सो इट विल कीप यू अप फॉर द होल डे. बहुत बड़ा सिम्टम ये होता है कि अगर आपकी बॉडी कीटो. और आजकल तो एक केमिस्ट से यू कैन गेट कीटो स्टिक्स, और यूरिन से यू कैन चेक के वेदर यू आर. यार यूरिन की बातें नहीं करें, या चिकन बन रहा है तो ऑब्वियसली इट्स गुड. तो अगर आपको कीटोस, अगर आपको पता करना है कि आपकी बॉडी कीटोसिस में चली गई है, तो ऑब्वियसली योर स्मेल विल स्टार्ट, योर ब्रेथ विल स्टार्ट स्मेलिंग. चिकन से ज़रा प्रभावित हो गया. टेस्ट प्रीटी गुड. लुक एट दिस, लुक एट द कलर. ये आपका हो गया कीटोसिस बटर चिकन तैयार. क्या बात है यार मिलन भाई. अंडर साइड, वाओ, लुक एट दैट. दिस इज आवर कीटो बटर चिकन विद अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इन इट. ये आपका हो गया है कीटोसिस कीटो बटर चिकन तैयार. एज अ वेजिटेरियन ऑप्शन आप चिकन की जगह पनीर डाल दें इसमें, तो ये शाही पनीर बन जाएगा. गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज नाउ आपका चिकन भी टेस्टी हो जाएगा. यू डोंट हैव टू टॉर्चर योरसेल्फ, और उसके साथ साथ आप श्रेडेड भी रह सकते हैं उसके साथ. सो गेट योर सिक्स पैक्स पॉपिंग आउट. सो सिक्स पैक तो दिखा दे भाई अपने. सिक्स पैक है नहीं है. अच्छा, तो अब आपने सिक्स पैक की बात करी है, तो अपने सिक्स पैक दिखा देंगे इसके साथ. खाने के बाद सिक्स पैक कैसे बने. ओह लुक एट दैट. अरे भाई रुक जा, शेफ गिरेगा वो. So this is the reason, this is the reason why you have six pack abs. So I shall see you in my next video now.